गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो का, फाइबर टू फैब्रिक में, यार्न्स टू फैब्रिक। अब यार्न से कैसे फैब्रिक में कन्वर्ट होते हैं, कैसे एक धागे से उसको एक कपड़ा बनाया जाता है, फैब्रिक तैयार किया जाता है। देर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। बहुत सारे तरीके हैं जिससे यूज़ किया जाता है एक धागे से एक फैब्रिक एक कपड़े में तैयार होने में। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग। जो मेन प्रोसेसिंग जो हैं दो, वो कौन कौन से हैं? वीव करना और निट करना, बुनना और उसको जोड़ना किसी तरीके से। अब इन एक्टिविटी टू वीविंग में, हम वीविंग के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, एक्टिविटी टू जो है वो आपको दी गई है कैसे वीविंग की जाती है, देखिए। और यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। हमने एक्टिविटी टू में देखा था कि यार्न्स जो हैं वो कैसे फैब्रिक को बनाते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ के। एक आपके लॉन्ग वे में लग जाते हैं, एक आपके लंबाई में लग जाते हैं, सीधे लगाए जाते हैं, एक आपके आड़े लगाए जाते हैं, ठीक है। एक आपके नॉर्थ टू साउथ में लगते हैं, एक ईस्ट से वेस्ट में लगते हैं। जब ऐसे एक चीज़ को बुना जाता है तो एक फैब्रिक तैयार होता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जब दो सेट ऑफ यार्न्स को, जब धागे के दो सेट्स को एक सीधे लगाए जाएं, एक आड़े लगाए जाएं, उस प्रोसेस को जब हम एक उस प्रोसेस से जब एक कपड़ा तैयार होता है, एक फैब्रिक तैयार होता है, तो उसे वीविंग कहा जाता है। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। कुछ पेपर स्ट्रिप्स को वीव करने की कोशिश करते हैं, कुछ लंबी लंबी स्ट्रिप्स बनाएंगे पेपर की, उनको काट के कुछ पेपर्स को ईस्ट से वेस्ट में रख देंगे, कुछ उसके अंदर से कुछ पेपर स्ट्रिप को एक को छोड़ के या दो को छोड़ के एक पैटर्न बनाएंगे और उसको नॉर्थ से साउथ में उसके अंदर से पिरो देंगे, वीव कर देंगे, तो उससे एक पैटर्न बन जाएगा। और उससे आप देखेंगे कि किस तरीके से एक कपड़े को बुना जा सकता है, किस तरीके से स्ट्रिप्स का यूज़ करके एक प्रॉपर एक पेपर के पैटर्न को बनाया जा सकता है। नाउ टेक टू शीट्स ऑफ पेपर। दो शीट लीजिए पेपर की ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के दो पेपर लीजिए और उनकी शीट्स लीजिए। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ, उसको स्क्वायर पीसेस में कट करिए लेंथ में, एंड वाइड इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच साइड, हर साइड से जो कि 30 सेंटीमीटर के हों। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ, उन दोनों शीट्स को हाफ में कर दीजिए, उनको हाफ कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस, एक शीट पे लाइंस ड्रॉ करिए जैसे कि आपको फिगर में दी गई हैं। देखिए फिगर, देखिए उसमें कैसे ड्रॉ की हुई हैं, वैसे ही ड्रॉ करिए लाइंस उस पे। फिगर 13.12A, अगर आप फिगर में देखिए 3.12 की ए पार्ट में उसको फोल्ड किया गया है, ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12B, और दूसरे वाले को देखिए कैसे उसको लाइंस बना की ड्रॉ की गई हैं। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन फोल्ड। दोनों शीट्स को कट करिए जहाँ पे आपने डॉटेड लाइंस बनाई हैं वहाँ पे उनको कट करिए और तब उनको अनफोल्ड कर दीजिए। लीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर। अब इसी शीट जो पेपर है इनको वीव करना है, एक दूसरे में बुनना है, एक पैटर्न बनाना है, एक शीट छोड़ के एक शीट को बुनना है जिस तरीके से आपको फिगर में दिखाया गया है। फिगर 3.12D शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। जब पूरी
जब आप स्ट्रिप्स को पूरी तरह से बुन लेंगे तो वो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा। आप देखिए फिगर में जो पैटर्न बनाया है, इस तरीके का आपका एक पैटर्न बन जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यान आर वूवन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरीके से धागे के दो सेट को एक फैब्रिक में तैयार किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग, उसको बुन के। और इसी तरीके से जो बुनना होता है, इस तरीके के बुनने को क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। द यान आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स। अब यान जो होते हैं वो हमारी पेपर स्ट्रिप्स जो हमने बनाई हैं इससे बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। अब जितने पतले आपकी पेपर स्ट्रिप्स होंगी उतना ही पतला आपका पैटर्न बनेगा और उतना ही आपको बारीक आपको उसको ढूंढना हो जाएगा, बन जाएगा कि कैसे उसके अंदर उसको जोड़ा गया है। तो वो एक ऐसे कॉन्टिन्यूस पैटर्न बनता है, कैसे लगातार एक पैटर्न बनता है कि जिसको अंदर आप एरर निकालना मुश्किल हो जाता है और हमें लगता है कि ये कपड़ा ऐसे का ऐसा ही आया, ये धागों से नहीं बना है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। जो फैब्रिक की वीविंग होती है उनको लूम्स पे बनाया जाता है। देखिए नीचे हैंड लूम आपको एक फिगर दी गई है, हैंड लूम। तो वीविंग जो एक प्रोसेस है वो एक लूम पे किया जाता है, और हाथ से अगर किया जाए तो उसको हैंडलूम कहते हैं, और मशीन वाले लूम से किया जाए तो वो मशीन से बनी हुई होती है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो लूम्स होते हैं या तो वो हाथ से ऑपरेट करने पड़ते हैं या वो पावर से बिजली से चलते हैं। निटिंग, हैव यू noticed हाउ स्वेटर्स आर knitted? आपने कभी नोट किया है कि कैसे स्वेटर्स को बुना जाता है, कैसे उसको निट किया जाता है? अ सिंगल यान इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक सिंगल धागे को कोई पैटर्न बनाते हैं, बट उस सिंगल धागे को ही निट किया जाता है, उसको ही बुना जाता है एक ढंग से कि वो एक पैटर्न बन जाए और एक कॉन्टिन्यूस कपड़ा बने, एक कॉन्टिन्यूस चीज़ बन जाए। और वीविंग में आपने क्रॉस में लगे थे, कुछ आपके नॉर्थ टू साउथ लगे थे, कुछ आपके ईस्ट से वेस्ट में लगे थे धागे। निटिंग में सिंगल यॉन इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। हैव यू एवर पुल्ड द यान फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। आपने किसी धागे को खींचा है एक सॉक्स से, तो आप देखेंगे अगर किसी सॉक्स से अगर आप किसी धागे को खींचेंगे तो वो पूरी की पूरी सॉक्स ही निकल जाती है। व्हाट हैपन्स, सिंगल यान गेट्स पुल आउट कॉन्टिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। जब आप फैब्रिक को खींचना शुरू कर देते हैं तो वो पूरा ही उधड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक लाइन नहीं बनती है कि आप एक धागा निकालेंगे तो वो सिर्फ एक ही साइड से निकलेगा। जब आप उसको निकालना स्टार्ट होते हैं तो वो इस तरीके से निकलता है कि वो पूरा का पूरा ही आपकी जुराब को ख़त्म कर सकता है वो धागा। वो इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली यूज़ किया गया होता है, उसको निटिंग कहते हैं। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोदिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। अब जो सॉक्स और बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको निटिंग फैब्रिक से बनाया गया होता है, निट किए गए फैब्रिक से बनाया होता है, वीव किए गए फैब्रिक से नहीं। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। अब निटिंग जो है वो भी हाथों से की जाती है और मशीन पे भी की जाती है। अब पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज फॉर। उसने बोला कि कोकोनट के ऊपर जो फाइबर्स लगे होते हैं, क्या आपने उनको कभी देखा है कि वो कैसे, वो फाइबर्स का कहाँ यूज किया जाता है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। वीविंग और निटिंग जो हैं उनको यूज़ किया जाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए। द फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोदिंग आइटम्स। जो फैब्रिक्स हैं ये अलग अलग टाइप के फैब्रिक वीविंग और निटिंग से जो बनते हैं उनको अलग अलग टाइप के कपड़ों के आइटम्स में
चेंज कर दिया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटीरियल, अब हिस्ट्री क्या है क्लोथिंग मटीरियल की। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटीरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स, पुराने समय में कौन से मटीरियल को यूज़ किया जाता था कपड़े बनाने के लिए। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर themselves। अब पुराने समय में जो लोग थे वो पेड़ के तने को यूज़ किया करते थे, बड़े बड़े पत्तों को यूज़ किया करते थे ट्रीज़ के, जानवर की खाल को यूज़ किया करते थे, फर को यूज़ किया करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल began टू सेटल इन, जब लोग एक जगह पे सेटल होना स्टार्ट हो गए तो उनको थोड़ा सा क्लोथिंग में चेंज लाना पड़ा। दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स, उन्होंने ग्रास और ट्विग्स का यूज़ किया, लंबे लंबे चीज़ों का यूज़ किया कि उसको वीव करने के लिए, उसको बुनने के लिए, और फिर उसको मैट्स और उनकी बास्केट्स बनाई। वाइन्स स्मॉल एनिमल फ्लीस एंड हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, वाइन्स होती थी, एनिमल फ्लीस होती थी और उनके बाल होते थे जिनको ट्विस्ट किया जाता था, मरोड़ा जाता था, इस तरीके से ट्विस्ट किया जाता था कि उनको लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बना दिए जाते थे उनके। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, फिर उनको फैब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था, बुना जाता था उनको फैब्रिक्स में। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, जो गंगा रिवर के पास में कॉटन हुआ करता था उससे फैब्रिक को बनाया जाता था, कपड़े को बनाया जाता था, और उसी कपड़े से जो है आपकी क्लोथिंग आइटम्स, उसी फैब्रिक से आपकी क्लोथिंग आइटम्स बनाई जाती थी कॉटन से। ये कहाँ मिलता था, रिवर गंगा के पास। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, फ्लैक्स एक प्लांट होता है जो कि आपको नेचुरल फाइबर देता है, नेचुरल कपड़ा देता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, पुराने समय में इजिप्ट में फैब्रिक बनाने के लिए दो चीज़ों का यूज होता था, कॉटन और आपका फ्लैक्स, जो कि कहाँ पे मिलता था, रिवर नाइल के पास मिलता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, उस समय में स्टिचिंग जो होती है, सिलाई जो होती है, वो किसी को उसके बारे में पता नहीं था। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, वो अलग अलग पार्ट्स पे उसको रैप कर दिए थे, अपने आप को उसको बांध देते थे, अपने उस फैब्रिक को छोटे छोटे टुकड़े बना के उनको बांध देते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज, उसको कपड़े को अलग अलग तरीके से रैप करके अपने उसको यूज़ किया जाता था। विद द इन्वेंशन ऑफ स्यूइंग नीडल, जब एक सीने की जो नीडल होती है, सुई होती है, उसके बनने के बाद पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स, अब लोग सिलना स्टार्ट हो गए फैब्रिक्स को कपड़े बनाने के लिए। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन, जैसे ही सुई का इन्वेंशन हुआ उसके बाद स्टिच्ड क्लोथ्स जो हैं, सिले हुए कपड़े जो हैं, उनका यूज़ होना स्टार्ट हो गया। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टूडे सारी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, ये आपको हैरानगी नहीं होगी, आप उसको अमेजिंग मानेंगे, हैरान हो जाएंगे कि इस चीज़ों को अभी भी यूज़ किया जाता है, साड़ी होगी, धोती होगी, लुंगी होगी, आपके टर्बन हो गई जिसको पगड़ी बोलते हैं,
ये सब अभी भी अनस्टिच्ड पीस हैं जो फैब्रिक के अभी भी यूज किए जाते हैं एज इट इज. जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, जैसे कि बहुत सारी वेराइटी है खाना खाने की पूरे देश में. अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट इन द फैब्रिक एंड क्लोदिंग आइटम्स ऑल्सो, बहुत सारे इसी तरीके के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे अपने अपने तरीके हैं इलाकों के, जैसे जैसे वो कपड़े को यूज़ करते हैं, कपड़े लगाने के, कपड़े को बनाने के अलग अलग वेज हैं, जैसे उनको कपड़े को बनाया जाता है, सिला जाता है और उसको यूज़ किया जाता है वैरायटी बनाने के लिए. अलग अलग जगह पे अलग अलग वैरायटी के क्लोथ पहनते हैं लोग. अब क्या प्रोसेस है या फिगर में देखिए, कॉटन रोल्स को गिन किया जाता है फाइबर बनाने के लिए, फाइबर को स्पिन किया जाता है यार्न बनाने के लिए, यार्न को निट या वीव किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए. अब एक पार्ट है जो जेएनके की बुक में है जो कि इसमें नहीं दिया गया है, जो हम आपको बताएंगे वो आपको बता देते हैं. अब ये है सिल्क वूल, जो टॉपिक है एक रह गया हुआ है. Wool and silk are the most common fibers from animals, with sheep and silk form. अब wool और silk ऐसे items हैं, common fibers हैं जो कि use किए जाते हैं और extract किए जाते हैं animals से, sheep और silk form से mostly. Wool is a natural fiber. Wool एक natural fiber है. Natural fiber is obtained from the fiber or hair of sheep. Sheep के बालों से extract किया जाता है wool को. It acts as a protective covering. It acts as a protecting covering of the sheep. ये एक कवरिंग देता है शीप को, एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है, उसको बचाता है गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्टिव लेयर देता है, कवर देता है उसको. द क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड्स अपॉन द एज एंड हेल्थ. जो वूल की क्वालिटी है, जो ऊन की क्वालिटी है, वो डिपेंड करता है एक शीप की एज पे, उसकी उम्र कितनी हो रही है, उसकी हेल्थ कैसी है, वो किस क्लाइमेटिक कंडीशन में है. Quality of the wool depends on the climate in which the animal lives. और जो quality होती है एक ऊन की, वो किस पे depend होती है, वो किस climate में रह रही है, किस वातावरण में रह रही है, किस मौसम में रह रही है, कि कैसा उसको climate मिल रहा है, कैसा वातावरण मिल रहा है उसको आसपास. अब कौन कौन सी sheep से देखिए, sheep shearing होती है पहले, फिर उससे wool बनता है, फिर wool से wool roving बनती है. Lamb's wool come from the body of the sheep. जो lamb's wool होती है वो आपकी sheep की body से मिलती है. Soft wool comes from an adult sheep. जो soft wool होती है, मुलायम wool होती है, जो soft होती है, बिल्कुल ही कोमल type की होती है, वो आपकी एक adult wool sheep से मिलती है, जो बढ़ गई होती है, जो बड़ी हो चुकी होती है, adult हो गई होती है. रफ़ वूल कम्स फ्रॉम एज्ड एंड डिजीज्ड शीप. जो रफ़ वूल होती है, जो एक रफ़ तरीके की वूल होती है, उसको किससे मिलती है, वो आपकी एज्ड, जो बूढ़ी होगी होती हैं शीप्स, या जिनको थोड़ी सी बीमारी होगी होती है. अंगोरा कम्स फ्रॉम अंगोरा एंड कश्मीरी गोट्स एंड अंगोरा रैबिट्स. अंगोरा जो है वो किससे मिलता है, अंगोरा से, कश्मीरी गोट से और अंगोरा रैबिट से. पश्मीना कम्स फ्रॉम हिल गोट लिविंग इन कोल्ड रीजन्स. जो पश्मीना शॉल्स आपने सुने होंगे, पश्मीना जो है वो आपको कहाँ से मिलते हैं, हिल गोट से, जो कि कोल्ड रीजन में मिलती हैं. शहतूश द कोल्ड कॉस्टलीएस्ट एंड सॉफ्टेस्ट वूल कम्स फ्रॉम द तिब्बतियन गोट कॉल्ड एंटीलोप लिविंग इन आइसी कोल्ड रीजन्स. अब शातूश जो होती है वो सबसे कॉस्टलीएस्ट और सबसे सॉफ्टेस्ट वूल होती है, जो कि आपको तिब्बतियन गोट से मिलती है, जो कि आइसी कोल्ड रीजन में होती हैं. वूल फ्रॉम यॉक द एनिमल फाउंड इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स. जो वूल यॉक से आती है उससे ब्लैंकेट्स बनते हैं,
जो कि लद्दाख रीजन में आपको जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख रीजन में मिल जाती है। अब लद्दाख रीजन जो है वो ले में पड़ता है। आपकी ले जो आपका क्या बोलते हैं उसको टेरिटरी है, ले में पड़ेगा आपको, ले में से मिल जाएगा यूनियन टेरिटरी ले। पश्मीना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट्स फाउंड इन हिली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पश्मीना जो है वो हिली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से मिल जाएगा, गोट्स जो कि हिली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में होती हैं। प्रोसेसिंग ऑफ वूल, वूल को कैसे प्रोसेस किया जाता है, इट इन्वॉल्व्स 4 steps। अब इसमें 4 step होते हैं, 4 stages होती हैं। शीयरिंग ऑफ शीप स्किन, शीप की स्किन को शीयर किया जाता है। ग्रेडिंग, उसकी ग्रेडिंग होती है। कार्डिंग, उसकी कार्डिंग होती है और फिर उसके बाद उसकी स्पिनिंग होती है। फैब्रिक ऑब्टेन्ड आर ट्विस्टेड टू मेक यान, जो फैब्रिक उससे मिलता है उसको ट्विस्ट किया जाता है, मरोड़ मरोड़ के उसको ट्विस्ट करके उसके यान बनते हैं, धागे बनते हैं। यान इज वीव्ड इनटू फैब्रिक, जो यान होता है उससे कपड़ा बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। और रिटेन्ड फॉर निटिंग, और उसको रिटेन, यान को रिटेन भी कर सकते हैं, निटिंग के लिए भी रिटेन कर सकते हैं, निटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसको वीविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कश्मीरीज एंड लद्दाखीज यूज़ वुलन फैब्रिक एंड निटेड गारमेंट्स टू कीप अवे द कोल्ड ऑफ हार्श विंटर्स। जो कश्मीरी और लद्दाखीज होते हैं उनको वो यूज़ करते हैं फैब्रिक का, इसी वुलन फैब्रिक का और निटेड गारमेंट्स का, निट किए गए गारमेंट्स का, ताकि वो जो ठंड है उसको, हार्श ठंड को, हार्श विंटर को, उसको यूज़ कर सके उन कपड़ों को अपनी ठंड से बचने के लिए। सिल्क, सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क मॉथ, अ रिलेशन ऑफ बटरफ्लाई, फाइन थ्रेड। अब सिल्क जो है वो सिल्क मॉथ से आती है, जो कि किसके रिलेशन में होती है, बटरफ्लाई के रिलेशन में होती है। फाइन थ्रेड इज स्पन बाय अ लार्वा, जो लार्वा होता है, कैटरपिलर जो होता है उससे एक फाइन थ्रेड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे स्पन होता है, उसको वो एक्सट्रैक्ट करता है। और लार्वा और कैटरपिलर ऑफ दी सिल्क फॉर्म, सिल्क फॉर्म का जो कैटरपिलर होता है या लार्वा जो होता है उससे उस सिल्क को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको स्पन किया जाता है, उससे लिया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है सिल्क बनाने के लिए। द बॉल ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड द सिल्क फॉर्म ऑफ द कैटरपिलर इज कॉल्ड कुकून, विच इज़ एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द कैटरपिलर। अब जो बॉल होती है सिल्क थ्रेड की, जो धागा होता है सिल्क का, वो सिल्क वॉर्म के इर्द गिर्द बना होता है, जब वो कुकून होता है उसका घर जो होता है लार्वा का, उसके अंदर बना होता है कैटरपिलर के, उसको कुकून कहते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द कैटरपिलर। उस कैटरपिलर की एक प्रोटेक्टिव, उसको बचाने के लिए कवरिंग दी गई होती है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। टू ऑब्टेन सिल्क द कुकून इज बॉइल्ड, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए उस कुकून को बॉयल किया जाता है। किलिंग द वॉर्म्स इनसाइड एंड द सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड, उस जो अंदर कीड़े होते हैं उसको मारा जाता है और उससे सिल्क थ्रेड को ऑब्टेन किया जाता है। द सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल ग्लैंड्स ऑफ द कैटरपिलर लोकेटेड नियर द मॉथ। सिल्क जो है वो प्रोड्यूस होती है उनके स्पेशल ग्लैंड्स जो होते हैं कैटरपिलर के, जो कि उनके मुंह के पास में होते हैं, वहाँ से सिल्क प्रोड्यूस होती है। द सिल्क फिलामेंट इज ऑफ वेरीड लेंथ, जो सिल्क के फिलामेंट होते हैं वो अलग अलग लेंथ के होते हैं। एंड द फिलामेंट आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक सिल्क थ्रेड, वो जो फिलामेंट्स होते हैं उनको ट्विस्ट किया जाता है सिल्क बनाने के लिए। सिल्क ऑफ कश्मीर इज सॉफ्ट स्मूद एंड लस्टरस, जो कश्मीर की सिल्क होती है वो सॉफ्ट होती है, स्मूद होती है और उसमें शाइन होती है, लश्चर होती है। कश्मीरी
कश्मीर यूज्ड टू बी फेमस फॉर सिल्क एज कश्मीर सिल्क इज सॉफ्ट स्मूद एंड लस्चरस। कश्मीर जो है वो सिल्क के लिए फेमस था क्योंकि उनकी जो सिल्क है वो सॉफ्ट होती है, स्मूद होती है और लस्चरस होती है। बट चाइना हैज़ टेकन द लीड, लेकिन चाइना जो है उसने उसमें लीड ले लिया है एंड इज़ द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। और जो है वो लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है वो पूरे दुनिया में। Activity: Seek information from Sericulture Department about silkworm breeding and cultivation, cultivating cocoons. अब Sericulture Department में जाके आप silkworm के बारे में पता कर सकते हैं, वो कैसे breed करते हैं और कैसे cocoon से cultivation होती है उनके। आपकी figure जो दी है वो life cycle of the silkworm दिया गया है, कैसे वो जो है एक life cycle उसका होता है। देखिए कैसे कुकून से कुकून सीड शेल्स ओपन होते हैं, उसमें प्यूपा निकलता है, फिर 10 से 12 दिन में एमर्जेंस फ्रॉम कुकून होती है, फिर मेटिंग होती है, मेटिंग के बाद में एग होते हैं, एग के बाद में जो है वो आपके एग के बाद में जो बहुत सारे एग्स जो होते हैं वो हैचिंग होते हैं, उसकी हैचिंग के बाद में उसका तीन ढाई से तीन दिन में वो मोल्ट बनता है, फिर सेकंड स्टेज ऑफ मोल्ट आती है जो तीन से चार दिन में होती है, फिर थर्ड स्टेज ऑफ मोल्ट आती है वो तीन से चार दिन में होती है, फिर छः से आठ दिन में उसकी फोर्थ स्टेज हो जाती है जो कि फाइनल स्टेज होती है मोल्ट की। उसके बाद में राइप हो जाता है, जो पक जाता है सिल्क वॉर्म, वो स्पिनिंग सिल्क फिलामेंट उसको स्पिन करना स्टार्ट कर देता है, फिर कुकून बनता है आपका। कुकून जो है वो फिर से आपके कुकून शेड को ओपन होता है, कट ओपन उनको खोला जाता है, प्यूपा निकलता है उसके अंदर से, फिर वो 10 से 12 दिन में एक कुकून जो है इमर्ज हो जाता है और एक क्या बोलते हैं आपका सिल्क वॉर्म तैयार हो जाता है, फिर वो उसको मेटिंग होती है और इसी तरीके से ये लाइफ साइकिल जो है सिल्क वॉर्म का चलता जाता है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आप लिखेंगे, इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में आए हैं उनको अच्छे से करेंगे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।